आपने अपने बच्चे के लिए इतना कोशिश की, बहुत बढ़िया। रहने के लिए ढंग का छत नहीं है लेकिन लोग कार रखते हैं, ये शूटिंग में पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बच्चों को बच्चे के लिए रखे डिलीवरी में काम आएगा। इन लोग अपना गूंगा बेटा के साथ एक भी फोटो क्लिक नहीं कराए, रिलेशन वाले क्या सोचेंगे? मैरून ड्रेस भी तो शॉर्ट ही था। हमारा नसीब में नहीं है, हम बेबी शूट कर सकते हैं, ऐसा लिखे हुए थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्नीक ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है कृष्ण जन्माष्टमी, इसलिए आप सभी को हमारी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयां। दोस्तों, हम पूजा पाठ भी कर लिए हैं। आज पूजा करने में बहुत ज्यादा मुझे लेट हो गया था, तो आज क्या किए ना, डब्बू के पापा सारा नाश्ता रेडी कर दिए हैं क्योंकि बाबू को भेजना है स्कूल। और इधर देखिए, और ये देखिए खुद से बनाए हैं आलू का भुजिया और रोटी। और इधर हमारे बाल गोपाल भी नहा धोकर पूजा पाठ कर लिए हैं, उसके बाद चल रहा है इनका नाश्ता, है ना बिट्टू? बाय कर दीजिए, बाय कीजिए, बाय। तो अभी इनका चल रहा था कार्टून, आप सब जानते ही हैं कि बच्चों का फेवरेट होता है कार्टून, तभी वो मस्ती कर रहे थे और साथ में ये नाश्ता भी कर रहे थे। और अभी बस सिर्फ नाश्ता ही बना है। और हाँ दोस्तों, आप सबसे हमें ढेर सारी बातें भी करना है ना जी, क्योंकि बहुत सारे आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट थे, हमें उसका रिप्लाई भी देना है आप सभी को। तो फिलहाल तो अभी हम लोग थोड़ा कुछ नाश्ता कर लेते हैं, और अभी ये सुबह नहाए ही नहीं है क्योंकि ये बाबू में बिजी हो गए थे। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग खेतों में, और अभी हम अपने किचन के बागीचे से कुछ सब्जियां तोड़ लेते हैं क्योंकि बहुत सी सब्जियां तोड़ी भी नहीं है, जैसे कि हमारे घर नेनुआ बोदी कुछ कुछ फल रहा है अभी। और बारिश तो कहना नहीं है, इधर देखिए सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही थी ना, मानो ऐसा लग रहा था कि बारिश खुलेगा ही नहीं। और हमें तो डर था कि बाबू के स्कूल हम भेज भी नहीं पाएंगे, लेकिन देखिए मौसम बिल्कुल अभी थोड़ा सा फ्रेश हो गया है, हल्की हल्की धूप भी निकल चुकी है। और अभी हम जा रहे हैं कुछ सब्जियां तोड़ते, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सब्जी तोड़े हैं। कुछ फ्रेश बीन वगैरह भी लगा हुआ है, और अभी इनको मन है सिर्फ तोरई तोड़ दीजिए और बोदी दोनों मिक्स करके सब्जी बना दीजिए। तो ये रहा मेरे हाथों में बैग और बाबू का बॉटल, और इधर देखिए बाइक निकला भी नहीं है, उससे पहले ही वो निकल गए। आगे निकलो बेटा आगे, जल्दी भाग, जल्दी भागो, हटो बेटा, हट जाओ, हट जाओ, हटो। तुरंत बाइक पे तो बैठने तैयार रहते हैं बाल खजला रहे हैं नीचे पकड़िए बेटा आपका, ठीक है, बॉटल गिरेगा। बाय गोलू, बाय बाय मम्मा, बाय बाय करना अभी तक नहीं सीखा, बहुत सीखा। नहीं नहीं बोलता है, बाय नहीं करता, सिर्फ आपका हाथ पकड़ के बाय करवाएगा। पकड़िए, आज खेतों से इतना सा सब्जी निकला, बोदी सब पकने भी लगा है अब, थोड़ा सा था, थोड़ा सा और देख के इधर पूरा एकदम खोज खोज के निकाल रहे हैं, इतना निकल गया करेला एक पीस मिला, सोचे वही खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं है ना, लाल हो जाएगा। तो चलिए सब बनाते हैं दोनों मिक्स करके सब्जी, लगभग एक किलो हो जाएगा नेनुआ। हाँ जी, बहुत दिन से हम लोग तोड़े भी तो नहीं थे, कहाँ तोड़े थे, सोचे कि अब तोड़ेंगे अब तोड़ेंगे, फिर पूजा पाठ त्योहार के इधर उधर हम लोग आना जाना पड़ गया तो तोड़े भी नहीं, इसलिए सबको सब्जी मिक्स बनाते हैं। आप सब बोल भी रहते कि तुम्हारे घर आएंगे सिर्फ नेनुआ खिलाएगी, अभी इतना ताया नेनुआ घर का निकला है तो खिले में करेंगे, ऐसा थोड़ी है, बोदी और नेनुआ सारा इसी में मिक्स कर देंगे। हाँ अच्छा रहेगा, दोनों मिक्स कर बनाएंगे। तो दोस्तों इधर बन रहा है तोरई की सब्जी, और एकदम एक थारी हो गया है थोड़ा सा होगा, बोदी जो निकाले रख दिए हैं। इधर रूबी ना बना रहे हैं सब्जी, और हम इनका व्यवस्था कर रहे हैं दूध पीने के लिए, और ये बोल रहे थे कि हम नारियल पानी नहीं पीने, नहीं पीने मन कर रहा है, एक ही चीज पीते पीते ना आदमी उठ जाता है, नहीं मन करता पीने के लिए, इसीलिए ले आए हैं मौसमी, और इसका जा रहे हैं जूस बनाने के लिए। इतना जूस ना घर पे बनाते दोस्तों, हमको लगता ही नहीं है इतना टेस्ट लगता है ना ये पीने में, इसलिए बोलते हैं घर पे ले आइए, घर पे ही बना के हमको दीजिए, अच्छा लगता है पीने में। मार्केट में जाने के बाद महंगा पड़ जाता है, ऐसे लेते हैं ना तो समझिए वहाँ 40 रुपए तक यहाँ 25 रुपए मेरा काम हो जाता है, सिर्फ पीने का थोड़ा है तो समय देगा आदमी, इतना समय नहीं दे सकता आदमी, प्लस घर का ताजा जूस मिल जाता है,
इसीलिए हम घर पर ही सब ले आए, ज्यादा भी पेरते हैं इसको। पेरने के मतलब आप सब जानबे करते हैं। उपाय तो बहुत अच्छा है। इधर देखिए इनका स्टाइल निकालने का, कोई स्टाइल नहीं, इसीलिए चाहिए तो लग रहा है ना कि संतरा है ना जी। संतरा ना होगा, मौसमी है वो, जैसे जैसे मार्केट में होता है ऐसे सेम कर रहे हैं ना, ऐसे ही दिखता है ना। हाँ। उन लोग लेकिन आइडिया है, अब हमको आइडिया नहीं है क्या करें, जो हो रहा है सब निकाल दे रहे हैं। दोस्तों हमने जो प्री बेबी शूट किया कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, ऐसे में हम सोच रहे थे आपके सामने जो भी आपने कमेंट किया है उसमें कुछ हम कमेंट को छांट कर रख लिए हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ निगेटिव कमेंट है जिसका हम रिप्लाई करना जरूरी समझते हैं, इसीलिए हम मोबाइल लेके बैठ गए हैं और कुछ रिप्लाई कर देते हैं ताकि शायद आपके सवालों का कुछ जवाब मिल सके। तो रूबी जो है पूरा तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो रूबी आप ही शुरू कीजिए। चलिए चलिए शुरुआत करते हैं अच्छे से, हम हमेशा बैठ से शुरुआत करते हैं लेकिन अच्छे कमेंट से शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट कमेंट करने वाले हैं सोनम सिंह। और हाँ दोस्तों एक बताओ, ये जो कमेंट हम आपको रिप्लाई करके बता रहे हैं ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, दो तीन जो शूटिंग हम लोग किए हुए थे ना उससे रिलेटेड जो कुछ आपको कमेंट किया गया है उसका हम आपको रिप्लाई करेंगे। वो लिखती हैं, वाओ नाइस, आपने अपने बच्चे के लिए इतना कोशिश की, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी। लेकिन जो कुछ लोगों को शायद ये प्री शूट अच्छा नहीं लगा, जो मुझे बहुत ज्यादा मेरे पर भड़ास भी निकाले हैं। दोस्तों बता दे हम लोग को ये सपना था, कुछ लोग यहाँ तक कमेंट किए तुमने पहले बेबी भी नहीं कराया, उसके पीछे रीजन है आपको बताएंगे हम, तो ये शौक होता है, ये इनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा पूरी जिंदगी में बनाने के लिए, तो इसलिए इनका कहना था कि हम इसको यादगार पल बनाना चाहते हैं, यादगार पल देना चाहते हैं, बस इस रीजन से हम लोगों ने प्री बेबी शूट करवाया है। कुछ लोग गलत मतलब ही निकाले हैं, जैसे सेकेंड कमेंट करने वाले प्रियंका झरिया, नहीं पता ये कौन जन्म का बदला हमसे उतार रही है, हमेशा हमें वीडियो में कभी अच्छा सजेशन नहीं देती है, जितना हो सके बैड ही लिखती है, ये लिखती है किसो किसको लगता है ये लोग बच्चा व्यूज के लिए पैदा कर रहे हैं, शर्म करो, एक लड़की हो के इतना गंदा सोच तुम लोग का है। दोस्तों किसी के सोचने कहने से नहीं होता है, किसी का ताकत नहीं कि अपने सोच के बच्चा मतलब पैदा कर ले, सोच पर नहीं होता, अगर ऊपर वाला नहीं चाहेगा ना तो मुड़े ठेक के मर जाए आदमी तभी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कितने लोग कमेंट हमारे पास आए हुए थे, शादी के 500 लगे बेचारी को लिखे हुए थे लेकिन हम वो खुशी नहीं देख पाए जो आप देख रहे करके लिखे हुए थे, हमारा नसीब में नहीं है हम बेबी शूट कर सकते ऐसा लिखे हुए थे, लेकिन आप ये सोच कैसे रख सकते हो यार, आप एक लेडी हो वो ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, जेंट्स बोलता चलता, लेडी या फिर लड़की लोग बिल्कुल नहीं जचता है पॉइंट को लेकर, सबके नसीब में ये सब नहीं मिलता है। अब फिर नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं प्रीति शंकरे, ये लिखती है सेकेंड बेबी सूट था तो पहले बेबी के साथ सूट क्यों नहीं किया, ऐसा सूट करवा रहे हो कैसे पहले बेबी हूँ बताइए। दोस्तों पहला बेबी में रीजन था, हम लोग को नहीं पता है इसके बारे में, पहला बेबी के बारे में उतना नहीं पता ना, पता था उसमें लॉकडाउन चल रहा था दोस्तों, वो भी कड़ा लॉकडाउन था 2020 का आपको पता होगा, उस लॉकडाउन में आदमी घर से बाहर निकलना तक मुश्किल था, तो बेबी शूट तो दूर की रही बात, आप लोग कैसे सोच सकते हो, आप लोग को इसके पहले ही बताया गया था कि हमारे डुगो का अभी 3 साल भी नहीं हुआ है, 2020 के जन्म है, उसमें इतना कड़ा लॉकडाउन में कैसे हम कर सकते थे आप बताओ, उसे मौका नहीं मिल पाया, हम लोग मौका खो दिए और सेकेंड मौका हम खोना नहीं चाहते थे, आप लोग जरा सोचो यार, अगर आप हमारे जगह पर होते तो आप क्या करते ये बताओ। सेकेंड कमेंट करने वाले हैं रितेश टोपो, ये लिखती है आपका वीडियो रूबी दीदी कब आएगा एल्बम लेकर, प्री बेबी शूट कर रहे हैं क्या, थोड़ा बेबी का भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हर माँ चाहती है कि उसका बेबी जो भी हो स्वस्थ हो और अच्छा हो, हर माँ ये कोशिश करती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सजेशन दिया है। दोस्तों ये एल्बम का वेट कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग को एल्बम देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसे कौन कौन है जो हमारे एल्बम को देखना चाहते हैं हमें कमेंट मेंशन कीजिएगा, अगर आप लोग कहेंगे तभी हम एल्बम का वीडियो आपके साथ शेयर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट कमेंट करते हैं लव लाइफ, कुछ लोग ना अपना नाम ही हटा दिए हैं, कुछ अलग अलग नाम प्रकार के लोग कमेंट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, यूट्यूब का ये फंडा है जो @ वाला चला हुआ है उसके चलते जो है चैनल का नेम नहीं पूरा शो कर पाता, लोग जो है सेट निकल रखे हुए हैं,
इसीलिए ऑटोमेटिक जो सिस्टमाइज है वो नाम शो करता है, वही हम लोग बोल देते हैं। लिखते हैं घर में कमरा ढंग का है, नहाए नहीं बट फोटो शूट करवा रहे हैं, हद है आप लोग। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कहते हैं ना कि रहने के लिए ढंग का छत नहीं है, लेकिन लोग कार रखते हैं और हमने छोटा सा थोड़े सा कॉस्टली करके हल्का सा क्या फोटो शूट करवा लिया, वो भी लाइफ टाइम फ्यूचर के लिए, ताकि वो बेबी आए तो वो देखे कि हाँ मम्मी पापा ने क्या किया है। ऐसे हमारे कोशिश तो अलग ही थी, लेकिन आप सबकी कोशिश मुझे नहीं पता आप सब ऐसा क्यों लिख रहे हो। दोस्तों शौक से बड़ा कुछ नहीं होता है, तो शौक के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। नेक्स्ट कमेंट करते हैं अंकु दयाल, ये लिखते हैं रांची में समुद्र कब से आ गया? आपको नहीं पता है तो गेतल सुन जो है ना झारखंड का, वो छोटा समुद्र ही कहलाता है। आप अगर नहीं जानते हैं तो कहीं भी सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं आकृति सिंह, दीदी जो भी फोटो वीडियो शूट करवाए हो पोस्ट कीजिए इंस्टा पर, पिक्स एंड वीडियो एंड बहुत प्यारी लग रही है आप जीजू। क्या करें, कुछ लोगों को इतना अच्छा पसंद आया है और कुछ लोग मुझे एल्बम के लिए बोल भी रहे हैं, वीडियो भी बोल रहे हैं शेयर करने के लिए। देखते हैं कितने कमेंट आते हैं, उसके आधार पे मैं लोग सारा शेयर करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है अंसा दिक्की, ये लिखते हैं वेरी नाइस रूबी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, थैंक यू सो मच। बहुत लोग हैं जो हमें शाबाशी दे इसके लिए, लेकिन बहुत लोग हमें टांग खींचने पे लगे हुए हैं। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं मोरल स्टोरी, ये लिखते हैं शूटिंग में पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों को बच्चे के लिए रखे डिलीवरी में काम आएगा, फर्स्ट बेबी ऑपरेशन से सेकेंड बेबी का नॉर्मल का चांस कम होता है। रंजन जी आप जॉब भी नहीं करते फिर रोना धोना होगा, ऐसा कुछ नहीं है मोरल स्टोरी जी, आपकी सोच ऐसी है, लेकिन हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा जॉब भी हो, मानते हैं सेक्स सी सेक्शन ही होगा ये चीज हम लोग पता है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अपना ख्वाहिश हम जाहिर किए हैं तो आप लोग को इतना बुरा लग रहा है, अब हम क्या करें। नेक्स्ट कमेंट है पद्मिनी बोरा, ये लिखती है इतना कॉमेडी है और कौन पागल जंगल में बेबी शूट करता है, प्रेग्नेंट है बट कोई टेंशन नहीं है, कैसे परी की डाली पर बैठ रही है, क्या मतलब पेड़ की डाली पे, वो कोई बड़ा मतलब धसने वाला पेड़ नहीं था, हम नहीं चाहते हैं, चाहे हम लोग मेरे पति भी ये नहीं चाहते कि वो धस जाए या फिर वो रिस्की हो, बिना रिस्की आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन हमने अपना ध्यान रख कर ही सारा बीबी शूट करवाया था। और रही बात वो जंगल, तो जंगल नहीं दोस्तों, वहाँ पर ऑन रोड था, आप देखिए वीडियो में कितना आवाज आ रहा था गाड़ी का, वहाँ पर पेड़ बहुत सारे बड़े बड़े थे, वो झुलवा में पहले हम लोग बैठ कर अच्छा झूल लिए थे, इसके बाद इनको ट्राई करवाए थे, ऐसा नहीं कि उनको पहले ही बैठा दिया। बिना सोचे आप लोग कोई सा मत कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। लिखते हैं सनी महले, लिखते हैं फर्स्ट शूट की इतनी वीडियोस, पैसे वेस्ट मत करो भाई, पैसे वेस्ट नहीं है भाई, अपनी खुशी। और रही बात दोस्तों पैसे वेस्ट करने की, तो पैसे वेस्ट हम नहीं कर रहे हैं, शौक के लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं, लोग चाहे तो मंदिर में भी शादी कर सकते हैं, लेकिन घर से ये लोग क्यों शादी करते हैं जबकि उससे 5 गुना अधिक खर्चा है, क्योंकि उनकी शौक होती है इसीलिए करते हैं, बस हम लोग अपने शौक के लिए कर रहे थे दोस्तों। आगे नेक्स्ट कमेंट करते हैं नीला, ये लिखती है ये रूबी नीलम और उसके बच्चे से जलती है और दिखाती तो ऐसे है जैसे सारा काम ये भी करके गई थी, भला हम लोग क्यों डरेंगे यार, सॉरी क्यों हम लोग जलेंगे, अपने भैगने से जलेंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों, जल करके हम क्या कर सकते हैं बताओ, गलत सोच आप लोग की है। ऐसे भी नीलम जल्दी घर पे आती नहीं है, और आती है कभी कभार ही हम लोग मुलाकात कर पाते हैं, और हम लोग इतना प्यार करते हैं और हम लोग जलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है, हम तो चाहेंगे और उसकी बढ़ोतरी हो और आगे जाएं, कभी जलने का नाम सोचती भी नहीं हम लोग को, गलत सोच आपकी है। नेक्स्ट कमेंट करते हैं यूजर इज टू एन, एक उसके नाम है इनका, ये लिखते हैं इन लोग अपना गुंगा बेटा के साथ एक भी फोटो क्लिक नहीं कराए, ऐसा साफ पता चलता है सब व्यू के लिए है, बताइए शर्म आना चाहिए, मेरा बेटा बोलने लगा है, आप लोग मेरे बेटा गुंगा कैसे बोलते हैं, मेरे बच्चे को जो कुछ बोलता है तो मेरा खून खोल जाता है, मुझे लगता है घने बच्चे नहीं है जो आप ऐसा वर्ड बोलते हैं, मेरा डुबू बोलने लगा है गुंगा नहीं आ रही, बात उसके साथ फोटो की तो हमने बहुत सारा फोटो क्लिक किया, लेकिन वो सारा एल्बम में होगा शूट, एल्बम देख लीजिएगा आप लोग जब शेयर करेंगे तब कितने उनके फोटो शूट हुए हैं, और ऐसा आप लोग मत कभी कमेंट कर रहा है नहीं बोलता है, बोलता है, आप लोग तो इसके पहले बहुत कुछ बोले हुए थे, तुम्हारा बेटा गुंगा है बहरा है कुछ छोटा बहुत कुछ बोले हुए थे आप लोग,
आप तो कभी डॉक्टर पास नहीं गए, क्या वो ठीक नहीं है, क्या वो नहीं सुन रहा है, क्या नहीं बोल रहा है? अगर आपको हम चले ना तो बर्बाद आप लोग कर दूंगे, सही बता दूं मैं। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं आशना, ये लिखते हैं, एक सॉस तो पहन कर करा ली सो, तो दूसरे में क्यों शर्मा रही थी, तुम्हें कब से रिलेटिव की फिक्र होने लगी, और लाइव में तो रंजन बोल रहे थे डिलीवरी के बाद ऐसे ही कपड़े पहनाऊंगा, कहां बोले हैं ये? नहीं नहीं, हम ये पॉइंट बोले हुए हैं कि अगर हमारा बस चले तो हम ऐसे कपड़े पहनाए, बस मैंने ये बोला है, ये नहीं कि सिर्फ आप नहीं उत्साह से, अगर रिलेटिव नहीं चाहेंगे तो आप कैसे पहना सकते हैं। ये पॉइंट निकल गया मेरे से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस वैसे ही कपड़े पहनाएंगे। और रही बात शॉर्ट्स कपड़े की, तो इतना भी तो गंदा नहीं था वो, बहुत सारे ब्लॉगर लोग शूट करते हैं, प्रीवी शूट करवाते हैं, लेकिन उन लोगों को तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, कुछ हमने पहन लिया तो शुरू हो गए आप सब। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं अर्चना यादव, ये लिखते हैं, रिलेशन वाले क्या सोचेंगे, मैरून ड्रेस भी तो शॉर्ट ही था, और वैसे भी तुम्हारे रिलेटिव तुमको अच्छे से जानते हैं। दोस्तों शॉर्ट था उतना भी नहीं था, मात्र एक ड्रेस शॉर्ट पे हमने ले लिया, आप लोगों ने इतना बवाल कर दिया। अरे भैया आप क्या करें, इनके भी शौक थी, प्लस हमारी भी थी, एक शॉर्ट पर देखते हैं कैसा आता है, इसलिए मैंने फोटो शूट करवा लिया, मात्र एक ही शॉर्ट हमने पहनाया है, बाकी कहाँ कोई शॉर्ट था, नहीं ना, इसलिए तो हम खुद मना कर दिए, क्योंकि दो तीन शॉर्ट्स था, सबको पसंद था कि हाँ आपकी जो ये दोबारा पल मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमने वो सोचा, लेकिन हम खुद से ये जीत कर रहे थे, हम खुद से बोले कि नहीं बस हम एक शॉर्ट ही पहनेंगे, जो कि उतना भी भद्दा उतना भी खराब नहीं था, जो आप लोगों ने इतना खराब उसे बना दिया है, सिर्फ बोल बोल कर बनाया है। क्या बहुत सारे सेलिब्रिटी पहनते हैं, बहुत सारे सिंपल से लोग घर में पहन के घूमते हैं, डांस करते हैं, वो सबके लिए बुरा नहीं है, और हम पहन लिए तो हम बुरे हो गए। ऐसे हम कुछ लोगों घर देखे हुए हैं, अधिकतर मैक्सिमम लोग ऐसे ड्रेस पहन के रोड पे निकलते रहते हैं, लेकिन हम लोग तो लाइफ में मात्र एक बार पहना है इनको, आप लोग को इतना लग गया, क्या कर सकते हैं। और दोस्तों सॉरी आवाज कुछ कम आएगा, इसलिए माफ कर दीजिए, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। फिर वही लिखते हैं अर्चना यादव, लिखते हैं, इसने बस चपाती खरीदी, बाकी तो सब घर से बना के लाए थे, तो क्या करते जो रेस्टोरेंट में खर्चा करते, जब घर से सासू माँ ने बना के दे ही दिया कि हाँ ये सब आप लोग खा लेना, तो क्या करते, बाहर से मांगा ठेकवा तो नहीं देते, और किसी को भी मन नहीं रही, बस बहुत कुछ लोगों से भी खा भी रहे थे, तो इनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम लोग शूट में बिजी थे, और जो लोग कैमरामैन भैया लोग सब आए हुए थे उनको भी खिलाना जरूरी था, तो क्यों नहीं खिलाते, क्या भूखे उनको भेज देते हैं। शाम हो गई थी दोस्तों, ऐसे में लोग भूख लगी हुई थी, और जो बना हमने खिलाने की कोशिश किया है, अगर जिनको बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी। और ये बात मेरे बेटा हो तो हम दोनों को खाना खिला कर उसे मस्ती कर रहा था, ऐसा नहीं है, हर चीज हम कैमरे में कैप्चर नहीं करते हैं। नेक्स्ट कमेंट करते हैं यूजर जेपी, ये लिखते हैं, एक ही दिन में कितने वीडियो बना डाले हो, वीडियो बनाने में ही मेहनत नहीं करते हैं, पुराने वीडियो दिखाते हो भी उसको, और नगीना एंड नाला जोड़ी बढ़िया है दोनों की, शर्म आता है मुझे ऐसे कमेंट पढ़ने पे, क्यों आप लोगों का दिल धड़कता नहीं है ऐसे जब कमेंट करते हो तो, कितना बार मैंने एक चीज बोला है आपसे कि मेरे रिलेशन वाले ठीक है मेरे कमेंट को पढ़ते हैं, मुझे डांटते हैं, मुझे समझते हैं, ठीक है उनका जायज बनता है कि वो लोग बड़े हैं, वो डांटते तो चलेगा, और रही बात सोचने की, तो हम लोग बड़े कुछ कम सोचते हैं, हमको हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़ों को लगता है कि नहीं ये गलत है, वो लोग सजेशन देते हैं, हम उनकी राय भी मानते हैं। और रही बात ये लोग वीडियो बनाने की, तो मेहनत कम नहीं लगता है, एक बार बना कर देखो तब पता चला कि वीडियो बनाने कितना मेहनत लगता है। दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा था, लॉन्ग हो रहा था, इसीलिए मैंने वीडियो जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या गलत किया हमने, कोई गलत नहीं। आप लोग ऐसे कुछ लोग पहले कमेंट भी कर लेते हैं वीडियो 10 से 12 मिनट के बनाओ, हम लोग 14 से 15 मिनट करके बना लेते हैं, अगर ये वीडियो ऐड कर दे तो ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, अब आप लोग को सोच अलग है तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वही नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों को मजा आता है कमेंट करने में, वीडियो तो पूरा देखते नहीं है ध्यान से, लिखते हैं, रूबी अब बीमार कब होने वाली है, शर्म करो, बीमार का वर्ड लेके बोलते, ऐसी हालत में बीमार तो होंगे, कभी ठीक रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, और एक बार शूटिंग लोकेशन पर तो हम ठीक थे, उसमें भी ठीक नहीं थे, पूछिए उसमें मुझे बहुत चक्कर आ रहा था, लेकिन कहते हैं नहीं कभी कभी ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हमने वहाँ पे सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा पी के पानी पी कर ही हमने शूट किया था, ये नहीं कि लगातार ही हम लोग शूट किए थे, हम लोग उतना मैनर है करने के लिए, सो प्लीज आप लोग उतना मत सोचो। और हाँ दोस्तों ये जो लिखे हैं रूबी की जगह लूबी लिखे हुए हैं, बताइए यार आदमी कन्फ्यूजन कहीं हो जाता है, इसके लिए आप लोग ना थोड़ा थोड़ा पान को मत इतना बड़ा बनाया करो।
और रही बात ये सब मतलब शूट करने की, तो ये सब लास्ट 9 मंथ में ही शूट होता है। मैं आपको बार बार यही चीज बता रही हूँ। और ये बात हम लोग अपने सक्षम से अपने सेहत के अनुसार से ही हमने प्रिय भी शूट कराए हैं। ऐसा नहीं है कि बस किसी ने बोल दिया धक्का मुक्के हम लोग पहुँच गए। दोस्तों अधिकतर लोग 8 से 9 मंथ में ही करवाती हूँ कि बेबी बम्प थोड़ा दिखेगा ही नहीं तो फिर क्या बेबी शूट करवाएगा, क्या करवाने का अर्थ हुआ। तो इसलिए आदमी उस समय ही करवाता है। मतलब यह नहीं है कि सिंपल ब्लॉगर हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमने प्री शूट करवाया तो हम लोग बुरे हो गए, और जो लोग बड़े यूट्यूबर है वो लोग प्री शूट कराए तो बहुत महान हो गए। हद सोच है आप सबकी। अगर आपको ऐसा लगता है, और ही बात मेरे मैरून ड्रेस को लेकर किनको ऐसा लगता है कि हमने गलत किया है, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। हम चाहे अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो ना रहे तो वीडियो हम डिलीट कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सब हम बोलना भूल गए थे। आप सबको अगर पसंद नहीं होगा ना तो हम वीडियो डिलीट कर देंगे। ऐसे कुछ कमेंट भी आए हुए हैं और कहीं सुनने को भी मिला, इसलिए क्योंकि व्यूअर्स हमारी फैमिली, अगर फैमिली नहीं चाहती है तो हम ये वीडियो भी एल्बम के ऐप में शेयर नहीं करेंगे। आप कहोगे तब भी एल्बम शेयर करेंगे। दोस्तों बस अपनी राय हमें कमेंट में लिखिएगा, और जिनको भी हमारी बातों से थोड़ा ठेस पहुँचा हो तो माफी चाहते हैं, हाथ जोड़कर माफ कर दीजिएगा। और फिर आप लोग के कमेंट के अनुसार से हम अगला एल्बम होगा तो शेयर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। बस आज का कमेंट हम यहीं पर आपको रखते हैं, और जिनको भी कुछ पूछना हो या फिर कमेंट करना हो हमें कमेंट कीजिएगा, हो सके उसका रिप्लाई। और एक बार बोलना चाहेंगे, बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे कॉल कर रहे हैं, और जब मैंने कॉल रिसीव नहीं करती हूँ तो वो लोग मुझे बार बार धमकी देते हैं कि तेरी वीडियो ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम बहुत गंदी हो, ऐसी हो वैसी हो। माफी चाहेंगे, जो बोलना है प्लीज आप मैसेज कर लीजिए, क्योंकि अगर हम एक से बात करते हैं दूसरे से बात नहीं अगर कर पाते हैं तो वो लोग मुझे बहुत धमकी देते हैं। यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे एक बंदा है, एक मन का नाम मैं ही लेना चाहूंगी, वो मुझे कल से इतना परेशान कर रहे हैं कि विश्वास नहीं कीजिएगा। सिर्फ मैंने उनसे बात नहीं की, बात में क्या रखा, जो मैसेज करना है कीजिए। मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं आपका कॉल नहीं रिसीव करूंगी, मतलब आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं, मैं सबका मैसेज रिप्लाई देती हूँ, पर प्लीज कॉल मत किया कीजिए इंस्टा पे। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि आप लोग हॉट भी होते हो, मैंने आपसे माफी भी मांगा है। जब भी बोलना है मैसेज में रिप्लाई कीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी, प्लीज कॉल मत कीजिएगा। और अगली बात मेरे प्रिय रिसोर्ट से, तो मुझे लगता है बहुत लोगों को खराब लगा, बहुत लोगों को अच्छा भी लगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने गलत किया है तो माफी चाहेंगे, सॉरी। दोस्तों आज का क्यों नहीं हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।